मैं आज जो था वो क्योंकि क्रैकर्स की जो सेल है उसको रेगुलेट करने बारे में सरकार से निर्देश है, तो उसके बारे में आज एक सभा बुलाई गई थी और जिसमें विभिन्न जो ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया गया था विभिन्न विभागों से, और नगर परिषद की जो अध्यक्ष हैं उन्हें भी बुलाया गया था। और इसमें जो है वो SDO जो RO पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने भाग लिया, और ETO साहब ने भाग लिया, तहसीलदार नायक भाग लिया, और उनको ये निर्देश दिए गए कि पहले तो सबसे पहले दो जो जगह हैं वो प्रपोज्ड हैं जिन्हें हम चिन्हित करेंगे, क्योंकि रिटेल की जो सेल करी जाएगी पटाखों की वो सिर्फ दो जगह पे की जाएगी, हर जगह मार्केट्स में वो सेल नहीं की जाएगी। तो अभी ये निर्णय लिया गया कि वो दो जगह में से एक जगह ये पुलिस ग्राउंड को चिन्हित करेंगे, और दूसरा हम ट्राई कर रहे हैं कि बद्रीपुर में वो जो RWO की एक लैंड है जहां पे वहां पे भी कोशिश की जाएगी कि वहां पे भी जो है चिन्हित कर दिया जाए, लेकिन उसके बारे में जो है RWO के चेयरमैन से जो है बातचीत चल रही है ताकि वो हमें अलाउ कर दें, तो उसको भी हम चिन्हित कर देंगे। तो उसको चिन्हित करने के बाद EO जो है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो वहां पे लेआउट प्लान ले करेंगे ताकि जो रिक्विजिट दूरियां हैं स्टॉल्स की या जो रिक्विजिट जो वहां पे मापदंड है उनको अपनाया जा सके। और एक कमेटी गठित की गई है जिसमें तहसीलदार साहब और जो ये है अपने ये वहां पे ये निरीक्षण करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो डायरेक्शंस दी गई हैं वो एडियर टू हो रही हैं। एक तो ये किया है। दूसरा अभी कई जगह पे होलसेल में जो है पटाखे बाजार में जो है वो उपलब्ध है, तो उसमें भी एक कमेटी बनाई गई है ETO साहब की और पोल्यूशन के जो RO हैं उनकी और तहसीलदार साहब और SHO की। तो ये जाके दो चीजें इंश्योर करेंगे, एक तो उन्हें आज उन्हें बोलेंगे कि एक तो वो यहां से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही बिक्री को करें, और दूसरा जो है वो जो भी जो मापदंड है उसके अनुसार कार्य करें, और कोशिश करें कि क्योंकि ग्रीन जो है हमारे क्रैकर्स उनका यूज किया जाए। और इस संबंध में दूसरा ये जो विभाग है फायर विभाग को निर्देश दिए गए थे कि वो देख लें कि हाइड्रेंट्स वगैरह जो है ऑपरेशनल हैं, क्योंकि कल को कुछ अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होता है तो हमारे फायर जो है और हाइड्रेंट्स काम कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि कुछ हाइड्रेंट्स जो ऑपरेशनल नहीं है। तो उसी समय शिवजय ग्रुप वर्मा जी जो IPH के एक्सियन है उनसे बात की गई और उन्हें कहा गया कि वो अपना ऑफिशियल वहां डिप्यूट करें और इंश्योर करें कि वो हाइड्रेंट्स जो है वो ऑपरेशनल हो, और इसके अलावा ताकि चिकित्सा भी हमारी चार चौबत रहे बिल्कुल ठीक रहे। जो SMO है उनसे भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ पे हर प्रकार का फर्स्ट एड और जो भी रिक्विजिट जो उपकरण वगैरह हैं और दवाइयां हैं उसको जो है उपलब्ध करवा के रखेंगे। और इसके लिए जो लाइसेंस है वो भी एक प्रिस्क्राइब, क्योंकि कोई भी सेल जो है रिटेल सेल वो बिना लाइसेंस के नहीं की जा सकती, तो उसके लिए भी एक तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तैयार कर दिया गया है, और साथ में उसके डेक्लेरेशन वगैरह रहेंगी कि जिसमें वो बताएंगे रिटेलर्स कि हम इन चीजों को एडियर करेंगे जो डायरेक्शंस दी गई हैं। और ट्रैफिक को भी रेगुलेट करने के लिए EO और SHO इनकी कमेटी बनाई गई है कि ये इंश्योर करेंगे कि ट्रैफिक भी रेगुलेट हो और वन वे ट्रैफिक हो ताकि जाम वगैरह ना लगे भीड़ की वजह से। और इसके अलावा जो टाइम है वो भी ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर्स हैं उसके 2 घंटे ही सिर्फ जो है समय दिया जाना है, तो वो हमने डिसाइड किया कि 8 से 10 बजे का जो टाइम है वो निर्धारित किया जाएगा, वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो यही सब लिए गई और सब सावधानी बरती जाए और एहतियात के साथ सब काम किए जाए, यही सब जो है निर्णय लिए गए और इसी दिशा में जो था सबको निर्देश दे दिए गए। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइफ टाइम स्टीरी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए
लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।